वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ओमान से लौटी तीन महिलाओं ने बर्बरता की वो कहानी सुनाई है जिसे सुनकर आप भी यकीनन रोने लगेंगे। लंबे वक्त से ओमान में फंसी ये महिलाएं अब जाकर अपने घर उन्नाव लौटी हैं। आप बीती बताते हुए महिलाएं खुद भी रोने लगी। तो इन महिलाओं के साथ क्या हुआ था और ये घर तक कैसे पहुंची, ये पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजरात की एक तस्वीर देखिए। दुनिया तालिबान की क्रूरता, तालिबान की बर्बरता, तालिबान के वहशीपन की बात कर रही है। ये तो सारी दुनिया जानती ही है कि तालिबान एक खूंखार संगठन है जो बेहद क्रूर है। लेकिन अपने भारत में क्रूरता की ये तस्वीर देखकर शायद आप भी कहेंगे कि ये भी तालिबानी जुल्म से कम नहीं है। ये गुजरात की तस्वीर है। गुजरात के दाहोद ज़िले में महिला के साथ क्रूरता का ये मंजर देखकर लोग कांप उठे हैं। परिवार के लोगों ने महिला को इस तरह से पीटा जैसे कुख्यात संगठन तालिबान पीटता है। महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो दूसरे समाज की औरतों से बात करती थी। इसी बात से गुस्साए परिवार के लोगों ने महिला की लात घूसों से पिटाई की और फिर पक्की सड़क पर महिला को घसीटा गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करते हैं ओमान से लौटी महिलाओं की। एक एजेंट ने उन्नाव शहर की तीन महिलाओं को बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर ओमान भेजा था। तीनों महिलाओं ने क्राइम ब्रांच में बयान दर्ज कराए हैं। जिस कंपनी में महिलाओं को भेजा गया था उस कंपनी ने महिलाओं को शेखों को बेच दिया। अब शेख ही इन महिलाओं के मालिक थे। शेख महिलाओं से 20-20 घंटे काम कराते थे। छोटी सी गलतियों पर बेरहमी से पिटाई करते थे। शरीर पर गर्म पानी डाला जाता था। उन्नाव के काशीराम कॉलोनी निवासी महिला ने बताया कि पति की मौत के बाद पैसों की दिक्कत हुई तो उन्होंने सऊदी जाने का सोचा था। एजेंट ने 25,000 से 30,000 रुपए की नौकरी की बात की थी और खुशहाल जीवन का सपना दिखाया था। जनवरी में एजेंट ने ओमान भेज दिया और वहाँ उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया गया। दूसरी दो महिलाओं ने भी अपनी आपबीती सुनाई। बात करते हुए वो रोने लगी। उन्होंने बताया जब भी वो घर वापस जाने का नाम लेती थी शेख उनसे 4-4 लाख रुपए की मांग करता था। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया विदेश मंत्रालय के इनपुट पर ओमान सरकार ने महिलाओं को आज़ाद कराया है। उन्होंने बताया कि अभी भी वहाँ कई महिलाएँ फंसी हुई हैं। अब तक देश भर की 16 महिलाओं को आज़ाद कराया जा चुका है। डीसीपी ने बताया कि मामले में 3 एजेंट जेल भेजे जा चुके हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।